गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। आनंद विहार, शहादरा, नंद नगरी में इस वक्त बारिश हो रही है। लोग बारिश का लुत्फ उठाने के लिए अपने घरों से बाहर भी निकले हुए हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है। और जाहिर तौर पर पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो लगातार तपती गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई थी। सूखे के आसार इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं, लेकिन इन सबके बीच ये तस्वीरें देखिए, झमाझम बारिश ने लोगों को तपती गर्मी से राहत दी है। मौसम सुहावना हो चुका है। इस वक्त दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में काफी तेज बारिश हो रही है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। उम्मीद हम यही करते हैं कि कम से कम देश के बाकी हिस्सों में भी, जहां पर सूखे के हालात इस वक्त बने हुए हैं, वहां पर भी बारिश हो, क्योंकि मानसून की बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं। आपको बता दें, देश भर में अब तक तकरीबन 46% कम बारिश हुई है। 2009 के बाद कमजोर मानसून के ऐसे हालात बने हैं, यानी कि पिछले 5 सालों में सूखे के सबसे ज्यादा भयावह स्थिति इस बार देखी जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से अच्छी खबर आई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम बेहद खूबसूरत यानी कि सुहावना बना हुआ है। तेज हवाएं चल रही हैं, लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। कि पहले आपको बता दें कि कल भी दिल्लीवासी शनिवार को बारिश का इंतजार करते रहे। मौसम थोड़ी थोड़ी देर पर करवट जरूर ले रहा था, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन आज इंद्र देवता ने दिल्ली वालों पर अपनी मेहरबानी दिखाई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब छोटे छोटे पेड़ जो साइड में लगे हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि तेज हवाएं इस वक्त चल रही हैं राजधानी दिल्ली में। और इस वक्त सीधे हम रुख करेंगे गाजीपुर मंडी का, जहां से मोहम्मद अफसर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, और वहां पर भी मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। अफसर, आप लोगों ने भी राहत की सांस ली होगी, मौसम बेहद खूबसूरत इस वक्त दिखाई दे रहा है। बहरहाल, ये बताइए, दिल्ली वालों की मुश्किलें किस किस रूप में बढ़ी हुई हैं, और मौसम का हाल अभी वहां पर कहां है, क्या है? चित्रा, हम आपको दोनों चीजें बताते हैं। सबसे पहले खुशखबरी मौसम की, क्योंकि कई दिनों से जो गर्मी से परेशानी थी, थोड़ी राहत मिल रही है। 5 मिनट पहले मेरी ये हालत थी कि पूरे के पूरा हम भीगे हुए थे जिस तरह से। एक बार हम आपको पीछे की तरफ दिखाते हैं, बिल्कुल मौसम बहुत खूबसूरत। हम आपको दूर पेड़ों का नजारा दिखाया तो बहुत तेजी से हवाएं चल रही है, पेड़ झूमते हुए दिख रहे हैं, बादल ऊपर की तरफ देखिए, काले काले बादल दिख रहे हैं। दिल्ली में कई जगह पर बारिश हो रही है और यहाँ भी बहुत ही थोड़ी देर में तेज बारिश हो सकती है, साफ दिख रहा है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। थोड़ी देर पहले जब हम लोग यहाँ पर खड़े थे तो गर्मी से बुरा हाल था, और अब जाकर के अचानक से कहें तो मौसम ने करवट ली है। अचानक से मौसम बहुत सुहावना हो गया है, जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो बहुत कम आ गया है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है, बहुत खुशनुमा मौसम हो गया है। इस मौसम के बीच उम्मीद है कि अगर मानसून अच्छा होता है तो शायद सब्जियों की कीमतें कम हो, लेकिन मौसम चित्रा बहुत अच्छा हो गया है। और इस मौसम के अलावा हम आपको सब्जियों का अगर अपडेट दें तो हम इस वक्त सबसे पहले जो जिसने सबसे ज्यादा रुलाया है इस टमाटर ने, टमाटर के बारे में बात करेंगे। टमाटर मंडी में ही 40 रुपए किलो मिल रहा है। चलिए, बाहर लाल टमाटर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सब्जियों के दाम आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गाजीपुर मंडी से आप हमारे साथ बने हुए थे, वहां पर आप इसी की रिपोर्टिंग करने गए थे, लेकिन मौसम ने अपना मिजाज बदला। मौसम बेहद सुहावना, और अब कम से कम मोहम्मद अफसर जहां पर मौजूद हैं वहां पर लोगों को इंतजार है बारिश का। लेकिन ये राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर बारिश हुई है। सीधे रुख करेंगे ओखला का, जहां से गीतम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गीतम, वहां का माहौल कैसा है और मौसम का मिजाज क्या बयां कर रहा है? जी बिल्कुल चित्रा, अभी लगभग 10 मिनट पहले की बात है, बहुत तपती धूप हो रही थी, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी थोड़ी ही देर पहले मौसम ने अपना मिजाज पूरी तरह से बदल लिया है। मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो ये देखिए किस तरह से हवा जो है वो इतनी तेज है। हालांकि बारिश अभी नहीं हुई है यहाँ पर, लेकिन हाँ, हवा बहुत तेज है, बहुत जोरों से हवा चल रही है, और जिस तरह से अभी मौसम बना हुआ है, लग रहा है कि जल्द ही मानसून जो है वो दस्तक देने वाला है, यहाँ बारिश जल्दी होने वाली है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। एकदम से मौसम ने मिजाज जो है वो बदल लिया है, अब क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? मौसम ने मिजाज बदल लिया है। अच्छी बात है मैडम, गर्मी से राहत मिल रही है लोगों को, बहुत अच्छी बात है। लोग इंतजार में थे बारिश की, साइड उतार रखे, हमें तो बहुत आनंद मिला। तो आप देख सकती हैं चित्रा कि लोग जो है उनको एकदम से जो राहत मिली है ह्यूमिडिटी और तपती धूप से,
उससे लोग यहाँ पे काफी खुश हैं। जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है, धूप अब नहीं है, बारिश हालांकि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हाँ जिस तरह से तेज हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, तो उससे काफी हद तक कहा जा सकता है कि दिल्ली वालों ने एक राहत की सांस जरूर ली, राहत की सांस ली है, और उसे एंजॉय करने के लिए लोग अपने घरों से बाहर भी निकले हुए हैं। हालांकि हर कोई अपनी इस खुशी को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों ने हमने देखा वो कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन आप जहां मौजूद हैं वहां से मोहम्मद अफसर की दूरी तकरीबन 15 किलोमीटर की है। एक बार फिर से गाजीपुर हम चलते हैं। अफसर, चूंकि वहां पर हम देख पा रहे हैं काफी तेज हवाएं चल रही हैं, आपके पीछे भी हम साफ साफ टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन इस बढ़ती हुई गर्मी ने कितनी मुश्किलें लोगों के लिए पैदा कर दी थी, और जरा आज आप यहां पर मौजूद हैं, बताइए कि कितने दिनों के बाद दिल्ली में इस तरह का मौसम बना है। चित्रा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जून के आखिरी हफ्ते में ही मानसून के दिल्ली में आने की उम्मीद थी, लेकिन अचानक से कुछ न कुछ कारण रहा और मानसून दिल्ली में नहीं आ पाया। हर दिन उम्मीद की जा रही थी कि दो दिन और, तीन दिन और बारिश होगी। 13 तारीख हो गया, आज जाकर के उम्मीद की जा रही है कि बारिश होगी। हम आपको थोड़ा कहें तो अपना लोकेशन चेंज करते हैं, फिर शायद आपको ज्यादा हम दिखा पाएंगे। थोड़े पीछे की तरफ हम बिल्कुल मुड़े तो बहुत तेज हवाएं चल रही है, मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है। हम यहाँ पर आए तो देखिए, बस हल्की हल्की बूंदे भी शुरू हो गई है चित्रा यहाँ पे जी। आसमान में काले बादल साफ दिख रहे हैं, हवाएं बहुत तेज चल रही है, मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है। ह्यूमिडिटी लेवल जो 85-86 तक पहुंच गया था वो अचानक से नीचे गिरा है, बहुत सुकून मिला है, बहुत राहत मिली है। टेम्परेचर में भी कमी आई है, उससे बहुत राहत मिल रही है। यहाँ पर भी लोग जैसे ऊपर वाले को एक धन्यवाद दे रहे हो कि अचानक से मौसम बदला है, जिस चीज का इंतजार था वो मिला है आज दिल्ली वालों को। बिल्कुल, काफी दिनों से इस बात का इंतजार किया जा रहा था और काले काले बादल घुमड़ घुमड़ कर चले जा रहे थे, इस वजह से लोग परेशान भी थे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और मोहम्मद अफसर को भी कुछ देर पहले हमने देखा था किस तरह से तपती हुई गर्मी और पसीने से उनका हाल बेहाल हो रहा था, लेकिन अब काफी ज्यादा खुश और अब सभी के चेहरे इस वक्त खिले हुए हैं। जिस तरह से तेज बारिश हो रही है राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में, और जिन इलाकों में अभी बारिश नहीं हो रही है वहां पर मौसम बेहद सुहावना हो गया है। एक बार फिर से गीतम का हम रुख कर लेते हैं। गीतम, ये बताइए आप कितनी खुश हैं, क्योंकि रोज रिपोर्टिंग पर आपको जाना पड़ता है और बढ़ती गर्मी ने सभी की मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई थी। कुछ और लोग आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं, अगर उनसे भी आप बातचीत कर पाए। जी चित्रा, सबसे पहले तो अगर हम लोगों बात करें, क्योंकि हम सुबह से ही रिपोर्टिंग पे निकल जाते हैं और सुबह जब धूप कम भी होती है तब भी ह्यूमिडिटी लेवल इतना ज्यादा होता है कि हम लोग, क्योंकि पूरा फील्ड का काम होता है तो आप ये मान के चलिए कि पूरा जो पसीने से तर हो जाते हैं, और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानसून जो इतनी लेट हो रहा था उसके कारण ह्यूमिडिटी लेवल कितना ज्यादा हो गया था। लेकिन अब जब मौसम ने इस तरह से करवट बदली है और बारिश दस्तक माना जा रहा है कि बारिश ने दस्तक दे दिया, अभी भी कुछ एकाध बूंदे भी शुरू हो गई है, तो अब ये भी कहा जा सकता है कि जल्द ही बारिश भी हो। लोगों से बात करते हैं, सब्जी के दाम भी बहुत बढ़ गए थे बारिश न होने के कारण, और अब अचानक से मौसम ने करवट बदल ली है, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है? हाँ, मौसम बहुत बेकार चल रहा है, टमाटर बहुत महंगा है, 40 रुपए किलो, मौसम सही नहीं, बहुत गर्म हो रही है। अब मौसम बदल गया है, आप क्या कहना? अभी मौसम तो बदला है, बदल गया है एकदम से, मानसून इतनी दिनों से नहीं आ रहा था, मानसून आ गया, मौसम ठंडा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, मोदी के आने से हर चीज महंगा हो गया। तो चित्रा देख सकते हैं, क्योंकि मौसम भले ही बदल गया हो लेकिन सब्जी के दाम अभी तक नहीं बदले हैं, तो इस वजह से जो आम जनता है थोड़ी सी इस बात को लेकर इंतजार जरूर कर रहे हैं कि मौसम भले ही बदल जाए, लेकिन हाँ इसके साथ साथ सब्जी के जो बड़े हुए दाम थे वो भी कम हो जाए और बहुत जल्द उससे भी जनता को राहत मिले। चले गीतम, आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा भी आपसे हम बातचीत करेंगे। गीतम हमारी सहयोगी बनी हुई है ओखला मंडी से, और हमारे साथ गाजीपुर मंडी से बने हुए हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अफसर। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, मौसम बेहद सुहावना हो चुका है, रुक रुक कर कुछ जगहों पर बारिश हो रही है और कुछ जगहों पर तो झमाझम बारिश, जिसकी वजह से मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल चुका है। और इन सब के बीच दिल्ली वासियों के लिए राहत की और बड़ी खबर है, दिल्ली में कमजोर चल रहा मानसून सोमवार से रफ्तार पकड़ेगा, यानी कि कल से माना यही जा रहा है कि स्थिति और ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, होंगे फॉरन हाजिर।